त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 25 जून को संपन्न होने वाले हैं, जिसे लेकर अब प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है और प्रत्याशी जीत के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। इन जनसंपर्क में अच्छी खासी भीड़ को देखने को मिल रही है। वहीं प्रत्याशी अपने वोटरों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरपंच प्रत्याशी कालीबाई बाबू सिंह जाटव ने जनसंपर्क में जबरदस्त उत्साह दिखाया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सरपंच का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी सर चढ़कर बोल रहा है। उसी श्रृंखला में सरपंच पद पर काबिज होने के लिए ग्राम पंचायत रणमल बिल्लौत की योग्य और शिक्षित प्रत्याशी कालीबाई बाबू सिंह जाटव ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। ढोल धमाकों के साथ कालीबाई की ओर से बाबू सिंह जाटव ने यहां स्थानीय स्तर पर हर घर जाकर प्रत्येक मतदाता को अपना चुनाव चिन्ह चश्मा के निशान पर माहौल लगाकर अपनी जीत आशीर्वाद प्राप्त किया है। इंदौर बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। कालीबाई बाबू सिंह को जिताएंगे और रियो काम हमारो सब कालीबाई बाबू सिंह कराएगा और वोट उकेत दांगान उकेत जिताएंगे। जाटव कालीबाई जाटव, मैं ग्राम रणमन बिल्लो से पंचायत से खड़ा हुआ हूँ और चुनाव चिन्ह चश्मा है मेरा। ये नालियों का काम करवाना, सड़क योजना बनवाना और नल जल की योजना लाना, रुकी हुई कुटीर को बनवाना, सारी व्यवस्था करवाना है। और नई योजना आप क्या लेना चाहेंगे जो गांव में आवश्यकता हो जिनकी? गांव में आवास को करवाना, पट्टे दिलवाना लोगों को और स्वच्छ अभियान चलाना, ये मेरा यो है। गांव में एक शमशान की बहुत बड़ी समस्या होती है, उसके लिए क्या योजना है आपकी? उसका भी सड़क बनवाना है, आसपास पेड़ पौधे लगवाना है और कुर्सियों की व्यवस्था करना वहाँ पे, और वहाँ पे पानी की व्यवस्था करना है, ऊपर टीन सेट लगाना है। प्रत्याशी के बारे में, जो भी प्रत्याशी है उनका नाम वगैरह और क्या जानकारी उनके बारे में आप क्या चाहते हैं? उनका नाम है कालीबाई बाबू सिंह जाटव। प्रत्याशी बहुत अच्छा है, ईमानदार लड़का है, गरीब व्यक्ति है, काम करेगा और अच्छा काम करेगा ये। आप उससे क्या चाहते हो जो पंचायत में नहीं हुआ या क्या करवाना चाहते हो? अपन क्या अपेक्षा है? अपनी ये परीक्षा है कि इससे काम पूरे करवाएं, जो रुके हुए काम जितने भी काम बाकी बचे हुए पूरे करवाना, नाली बनवाना, रोड बनवाना और ये शमशान की जो स्थिति खराब है वहाँ पर पानी की व्यवस्था करवाना, शमशान बनवाना, शमशान तक रोड देना और गाँव में रोड देना और जो कुटीर दिलाना प्रधानमंत्री योजना की। मैं अभी क्या है रणमन बिल्लौत पंचायत से जो भी उम्मीदवार है अभी जो प्रत्याशी आया है, मैं उसे अपेक्षा रखता हूँ कि सबसे पहले तो मेरा गांव का जो विकास नहीं हुआ है वो हो, जैसे पक्के मकान हैं उनके पट्टे नहीं हैं, जो कच्चे मकान हैं उनकी सरकार की योजना के वो वंचित हो रहे हैं, क्योंकि अगर उनके पट्टे हो तो आज मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना उन लोगों को लाभ मिले, जिसके बाद में जो कच्ची सड़कें वो पक्की हो, जल की व्यवस्था पूरी तरह से हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।